और हरियाणा के डीएसपी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर से डंपर ड्राइवर शब्बीर पकड़ा गया। आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। हरियाणा के नूह के तावड़ों में डीएसपी सुरेंद्र की हत्या करने वाले दूसरे आरोपी और डंपर चालक शब्बीर उर्फ मित्तर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नूह पुलिस ने भरतपुर के पहाड़ी गगौरा गांव से शब्बीर को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी वरुण सिंगला ने पुलिस की 10 टीमें तैनात की थी, जिसने 24 घंटे के भीतर डीएसपी के ऊपर पत्थरों से भरा डंपर चलाने वाले चालक मित्तर को धर दबोचने में कामयाबी पाई। डंपर के खलासी को पुलिस ने मंगलवार को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना के बाद आईजी नू एसपी के साथ ही डीजीपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक डंपर में 3 से 4 लड़के बैठे थे। डंपर में पीछे वाली नंबर प्लेट नहीं थी। डंपर के आगे वाली नंबर प्लेट पर HR74A लिखा था, बाकी नंबर नहीं लिखे थे। सरकार ने डीएसपी को शहीद का दर्जा दिया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। बताया गया है कि डीएसपी 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे।